हेलो स्टूडेंट दिस इज पूनम योर मैथ्स टीचर सो टुडे वी विल कंटिन्यू द एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री इन विच वी हैव टू डू फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ पैलेलोग्राम हियर ओके हियर यहाँ पे आपके पास गिवन है आपके पास एच ई ए आर हियर आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है अब इस हीयर में आप देख सकते हैं आपको एच ई गिवन है ई ए गिवन है और एक एंगल आर गिवन है इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको जो बताया था मोर एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको इस एक्सरसाइज का उसमें हमें क्या गिवन था टू साइड्स गिवन थी और थ्री एंगल्स गिवन थे बट यहाँ पे आपके पास सिर्फ एट्टी फाइव डिग्री एंगल्स की है अब एट्टी फाइव डिग्री एंगल जो होता है ना देखो आप इसको हम कंपस में ड्रा नहीं करें हम करेंगे इसको हम प्रोटेक्टर में ड्रा करेंगे उसका रीज़न ये है कि एट्टी फाइव डिग्री एंगल को आपके पास कोई भी एंगल कंपस में वही ड्रा होते हैं जिसकी ब्रेकिंग पॉसिबल होती है जैसे सपोज़ हमारे पास इससे पहले हमने वन हंड्रेड फाइव आपको बताया था वन हंड्रेड फाइव आपके पास नाइनटीन प्लस फिफ्टीन डिग्री होता था अब यहाँ पे आपके पास है एट्टी फाइव डिग्री एट्टी फाइव डिग्री मीन्स अगर आप एट्टी फ़ाइव को किसी भी तरीके से ब्रेक करके इसका पॉसिबल एंगल फाइंड आउट करेंगे सपोज मैंने सिक्सटी प्लस समथिंग कुछ करा सिक्सटी में आपको पता है कि ट्वेंटी फ़ाइव प्लस करके हमारे पास एट्टी फाइव डिग्री होता है ना तो आप इसको कंपास के थ्रू बना ही नहीं सकते और इसको अदर वे अदर वे से अगर आप इसको ब्रेकिंग करना चाहें सपोज वन ट्वेंटी में हम कितना लेस करें कि एट्टी फाइव आ जाए तभी भी आपके पास जो सेकंड एंगल होगा ना वो प्रॉपर आपके पास ऐसा एंगल नहीं होगा जिसे आप कंपस में ड्रा कर सको क्योंकि कंपस में हमारे पास वही एंगल ड्रॉ होते हैं जिसके आप बाइसेक्टर कर सकते हो जिनको प्रॉपरली आप कंपस में ड्रॉ कर सकते हो तो बहुत यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए इजी हो गया है कि आपने डायरेक्ट प्रोटेक्टर को पकड़ना और 85 डिग्री ड्रॉ कर देना बस आपको पेलोलोग्राम की प्रॉपर्टीज़ लर्न होनी चाहिए तो हम देख चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैं एक रफ फिगर बनाऊँगी पेलोलोग्राम का ये मेरा रफ फिगर है पैलोलोग्राम का इसका नेम मैंने दिया एच ई ए आर अब आपको दिख रहा है एच ई कितना सेंटीमीटर आपने ड्रा करना है फाइव सेंटीमीटर एंड ई ए आपको ड्रा करना है सिक्स सेंटीमीटर और आर जहाँ पे आर आपके पास पॉइंट है यहाँ पे मुझे एक एंगल बनाना है एट्टी फाइव डिग्री तो अब क्या किया जाए अब देखो यहाँ पे पास हमारे पास जो एंगल हमने ड्रा करना है वो अपसाइड आपको दे रखा है ठीक है अपसाइड साइड दे रखा तो उससे और अगर हम इस सपोज़ यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना एच ये हेयर को बनाना इस साइड से तो ये साइड हमें गिवन है ही नहीं है ना तो हम उसके लिए क्या करेंगे और ये वाली साइड भी आपके पास गिवन नहीं है अगर आपको पैलोलोग्राम की प्रॉपर्टी लर्न है तो आप इसको किसी भी तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हो फिलहाल हम अब इसको स्टार्ट करते हैं बेस लाइन मेरे पास एच ई है मैं यहाँ से शुरू करूँगी अब इसके लिए क्या करेंगे जब हम एच ई ड्रॉ करेंगे तो एच ई ड्रॉ करने के बाद मुझे ये मेरा ये वाला एंगल भी पता होना चाहिए और ये वाला एंगल भी पता होना चाहिए ये अगर हमें नहीं भी पता है तभी भी हमारा काम हो जाएगा बट ये वाला एंगल हम इसके थ्रू निकाल लेंगे आपको पता है कि पैलोलोग्राम की प्रॉपर्टी होती है क्या होती है अपोजिट साइड्स आर पैरलर पहली तो ये प्रॉपर्टी होती है आपके पास देन एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल है ना आपके पास अपोजिट एंगल और साइड्स भी इक्वल होती है इट मीन्स ये फाइव सेंटीमीटर है तो ये भी आपके पास फाइव सेंटीमीटर हो जाएगी ये सिक्स है तो ये आपके पास सिक्स हो जाएगा और ये एट्टी फाइव डिग्री है तो हमारे पास ये भी एट्टी फाइव डिग्री होगा सिमिलरली आप ये वाला एंगल भी कम प्रोटेक्टर के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं और ये वाला एंगल भी ठीक है ना अब ये एट्टी फाइव डिग्री है तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा आप खुद सोचो आपको पैलोलोग्राम में एक प्रॉपर्टी और पता है कि पैलोलो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आपके पास जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है इट मींस अगर आपके पास ये 85 डिग्री है तो आप इसी भी तरीके से एच को भी निकाल सकते हैं ना आप लिखेंगे आर प्लस एंगल एच इक्वल्स टू वन एट्टी डिग्री नो दैट आप क्या लिखेंगे आप क्या जानते हैं आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से पता है कि एंगल आर प्लस एंगल एच इक्वल टू तो वन एट्टी डिग्री होती है बाई आप किससे किस लिख सकते हो एडजस्टन सम ऑफ एडजस्टन एंगल क्या रीजन देते हैं कितना होता है आपके पास एडजस्टन एंगल्स आर वन एट्टी डिग्री आपके पास जो एडजन एंगल का सम होता है वो कितना होता है आपके पास वन एटी डिग्री होता है तो हमारे पास आर एट्टी फाइव डिग्री है है ना तो एंगल एच कितना हो जाएगा आपके पास वन डिग्री एंगल एच आप निकालेंगे तो वन एट्टी माइनस एट्टी फाइव आप कर देंगे इसको तो ये हमारा निकल के आएगा फाइव यहाँ आपके पास रहेगा सेवन सेवनटीन में से एट माइनस हुआ नाइन टेन 11 12 थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन नाइन्टी फाइव डिग्री आपके पास एंगल एच आ जाएगा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बट फिर भी आपको ये चीज़ आनी चाहिए बेसिक चीज़ें अगर मैं चाहूँ तो इसको बहुत शॉर्ट तरीके से इजीली बता दूँ बट आपको हर तरीके से सब कुछ फाइंड करना आना चाहिए ताकि अगर आपके पास कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो आपको मैथड अच्छे से पता होना चाहिए ओके okay? तो स्टूडेंट करते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम एच ई ड्रॉ करेंगे फाइव सेंटीमीटर जो मेरा बेस लाइन है एच ई उसके लिए मैंने फ़ाइव सेंटीमीटर ये ड्रॉ करा है ये मेरा फाइव सेंटीमीटर एच ई आ गया इसको मैं पेन से ड्रा कर देती हूँ जिससे कि मैं डार्क डार्क ये दिखेगा अच्छे से ये मैंने पेन यूज़ करा है यहाँ पे एच एंड ई आप लोग पेंसिल ही यूज़ करिएगा ओके क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम अटाइम करेंगे तो आप लोगों ने पेन का यूज़ नहीं करना है अब मेरे पास सारे एंगल्स मेरे पास है थ्री एंगल्स हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ड्रॉ करने सीखे थे बाय कंपास कम, बट हम प्रोटेक्टर यूज़ करें नाइन्टी फाइव डिग्री भी है हमारे पास एट्टी फाइव डिग्री भी है ओके तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं एट्टी फाइव डिग्री यहाँ से अपने प्रोटेक्टर को लूँगी और उससे मैं एट्टी फाइव डिग्री ड्रॉ करूँगा अब यहाँ पर देखो एक कन्फ्यूज़न हमारे पास होता है बच्चों को कि हमेशा वो क्या करते हैं उन्हें कंप जब भी वो प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं तो प्रोटेक्टर का यूज़ करते समय उन्हें इस बात का कन्फ्यूज़न होता है कि अगर हमने 85 फाइव एंगल ड्रॉ करना है तो किस साइड से ड्रॉ करना है इस साइड से ड्रा करेंगे मतलब जो अपर वाले नंबर से उसके थ्रू करेंगे या फिर जो आपके पास नीचे नंबर की बने आप उसके थ्रू ड्रा करेंगे तो इसका कन्फ्यूज़न मैं आपका दूर कर देती हूँ हमने सबसे पहला काम क्या करना है यहाँ पे जो ये जो हाफ सन गिवन है ना इस हाफ सन का जो ये मिड आपके पास ये पॉइंट गिवन है मिड पॉइंट इस मिड पॉइंट को जिस पर आपने एंगल फाइंड करना है आप मुझे ई एंगल पे एटी फाइव बनाना है ना तो मैं इसके इस मिड पॉइंट को इस ई एंगल पे ऐसे रख दूँगी सबसे पहला काम हम ये रखेंगे हमने ये रखते हैं इस तरीके से देखिए ये रखा और ऐसे रखना है ना कि आपकी जो लाइन आपने बनाई है वो लाइन आपकी हाइड हो जानी चाहिए इस प्रोटेक्टर के थ्रू अब मुझे मेरा एट्टी फाइव ड्रा करना है तो जब भी आपको इस वाले पॉइंट पे ड्रा करना होता है जैसे तो आपके पास एक लाइन होती है ना लाइन के दो पॉइंट होते हैं ना दो पॉइंट में से अगर आपसे ये वाला पॉइंट पे एंगल ड्रा करने को कहेंगे तो आप कहाँ से देखेंगे अप साइड से अप साइड के जितने ये एंगल्स बने ये वाले एंगल्स या मैं जहाँ मेरी पेंसिल जा रही है देखिए ये वाली इसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे आपको दिख रहा है यहाँ पे इट्टी है आपके पास तो ये आपके पास हो जाएगा इट्टी फिर आपके पास नाइन्टी होगा है ना नाइन्टी स्ट्रेट हो जाता है आपके पास ऐसे सीधी लाइन आती है ऊपर परपेंडिकुलर आपके पास फिर नाइन्टी फाइव एंड सोल तो आपने जब ई e पर देखना है तो मेरा ई e जो होगा आप जो बाहर वाला ज़ीरो स्टार्ट है बाहर वाले ज़ीरो से जो नंबर आगे बढ़े टेन ट्वेंटी थर्टी आप वहाँ से इसको एट्टी फाइव पर ऐसे मार्क कर देंगे और ये मेरा ड्रा हो जाएगा ये मेरी क्लाइन ड्रा हो गई और ये मेरा एंगल आ गया 85 डिग्री ओके आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस ई से लेके ए तक की डिस्टेंस हमारी सिक्स सेंटीमीटर है तो मैं स्केल में सिक्स सेंटीमीटर रेडियस का एक प्रॉपर एक रेडियस ले लूँगी स्केल में इस तरीके से लेते देखो मैंने अपने कंपास का पॉइंट सिक्स पे रखा है और अपनी पेंसिल का पॉइंट जीरो पे रखा है ये मेरा सिक्स पूरा मेजरमेंट हो गया आप देख सकते हैं इस ई पे पॉइंट को रख के मैंने ये सिक्स सेंटीमीटर का आग कट कर दिया और मेरा ये जहाँ पे कट हुआ उसको मैंने नाम दिया ए अकॉर्डिंग टू हमारे रफ फिगर तो ये हमारे पास सिक्स सेंटीमीटर आपके पास आ गया ये मेरा सिक्स सेंटीमीटर लेंथ आ गई ओके अब देखिए हमारे पास आधा हमारा इस साइड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया अब मुझे यहाँ पे नाइन्टी फाइव डिग्री बनाना है ठीक है तो नाइन्टी फाइव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे और अगर आपने नाइन्टी फाइव डिग्री नहीं बनाना है तो वो तभी भी हमारा ये डायरेक्टली भी हो सकता है बट हमारे पास ये एंगल हमें पता चल चुका है हमें प्रॉपर्टी पता है एडजस्टन एंगल वाली तो हमने उसके थ्रू बताया था मैंने एडजस्टन एंगल की प्रॉपर्टी के थ्रू क्या होता है कि आपके पास टू एंगल का सम वन डिग्री होता है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ तो हमारे पास आर एट्टी डिग्री था तो एच कैसे निकला था हमारे पास इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट सम ऑफ एडजस्टन एंगल वन लगाया और हमारे पास एच फाइंड आउट हो गया था नाइन्टी फाइव अब हम इस कंपर से नाइन्टी फाइव बनाएंगे तो मैंने देखो कंपास से हमारी प्रोसेस वही रहेगी ये जो इसका पॉइंट है हाफ सन जो गिवन है इसका पॉइंट आप इस एच पे रखेंगे और इस लाइन को हाइड कर देंगे अब मैंने आपको बताया कि अगर आप इस साइड से ठीक है लाइन की इस साइड से अगर आप एंगल फाइंड करते हैं इस पॉइंट से तो आप कौन सा एंगल देखेंगे आपने क्या बनाना है नाइन्टी फाइव तो नाइन्टी फाइव आपने देखना है तो आपको दिख रहा है ये मेरा आपके पास एट्टी है देन फिर नाइन्टी है नाइन्टी के बाद नाइन्टी फाइव यहाँ पर आ रहा है तो मैंने देखो ये कौन सा एंगल देखा मैंने ऊपर वाले एंगल नहीं देखे, देखे आप मैंने देखे नीचे वाले नीचे वाले आपके जीरो से देखो जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी फौर। यहाँ पे मेरा नाइन्टी है नाइन्टी कॉमन होता है दोनों के लिए ऊपर वाली डिग्रीज के लिए भी नीचे वाली डिग्रीज़ के लिए भी नाइन्टी कॉमन है नाइन्टी के बाद आपने क्या करना है नाइन्टी फाइव करना है तो नाइन्टी फाइव कहाँ पर आ रहा है हमारे पास ये देखिए आप देख सकते हो एट्टी के बाद नाइन्टी आया नाइन्टी वाइव फिर नाइन्टी फाइव तो मैं ये नीचे वाले देख सपोज मुझे हंड्रेड करना होता है तो मैं ये नीचे नीचे जो बना है ना हंड्रेड इसके अकॉर्डिंग यहाँ मार्क करती और अगर मैं इस साइड से करती और मुझे हंड्रेड करना होता तो मैं ऊपर वाले के हिसाब से करती ठीक है तो मैं नीचे वाले के हिसाब से मेरा ये नाइन्टी फाइव आ गया और मैंने इसको इस लाइन को भी ड्रॉ कर दिया ऐसे ओके अब देखिए ये मेरा आ गया नाइन्टी फाइव डिग्री अब पेलोरोग्राम की एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने कि अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल ये फाइव सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी फ़ाइव सेंटीमीटर होगी अब मैंने क्या करा इस ए पॉइंट से इस लाइन पे फाइव सेंटीमीटर के आ, रेडियस फाइव सेंटीमीटर लेंथ के लिए एक रेडियस और ले ली स्केल में देखो मैंने अपने कंपास का पॉइंट फाइव में रखा है और पेंसिल का पॉइंट ज़ीरो पर रखा है तो इस ए से मैंने ये ऐसे करके इसमें मार्क कर दिया ठीक है ये की जरा से ये ये लाइन को भी टच नहीं करा इसने अब अगला हम देखते हैं यहाँ पे आपको यहाँ से देखो ये क्या लेंथ दिए दे रखी है सिक्स सेंटीमीटर दे रखी है आपके पास सिक्स सेंटीमीटर तो हम यहाँ से ये देखो एच और आर की डिस्टेंस हमारी सिक्स सेंटीमीटर है तो मैंने एच से लेके ये हमारे पास सिक्स सेंटीमीटर का पहले हम रेडियस लेंगे ऐसे हमने इस तरीके से ऐसे आग लगाने के ड्रा करना होगा तो मैंने ये पॉइंट इस तरीके से सिक्स सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया अपने स्केल पे और ऐसे मैंने ये लगा लिया ओके थोड़ा सा मेरे ख्याल से मेज़र करते समय ये लाइन मेरी ये जो मेरा कट है आई थिंक मैंने थोड़ा सा वो मेरी पेंसिल हिल गई होगी तो इसलिए मेरा ये जो कट है ना इस लाइन के ऊपर हल्का सा थोड़ा सा बच गया है अदरवाइज ये लाइन पर ही आएगा अब मैं देखो ये मेरे पास एक कट मेरे पास ये हो गया मेरा और एक कट मेरे पास ये हो गया हम इन दोनों को फिर ज्वाइन कर देंगे ऐसे इस तरीके से और आप चाहे तो चेक कर सकते हो हमारे पास देखो ये फाइव सेंटीमीटर है ये भी हमारा एग्जैक्ट फाइव आ रहा है ये देखिए और ये सिक्स है और ये मैंने सिक्स सेंटीमीटर का कट करा था तो ये भी मेरे पास सिक्स सेंटीमीटर आया था ओके तो ये हमारा एच ई ए आर हीयर बन के रेडी हो गया ओके तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं